आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कन्वेंशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है हमारा रामसार कन्वेंशन ये एक ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है किसके लिए वेटलैंड्स और उससे जुड़े हुए सारे रिसोर्स के कन्जर्वेशन और वाइज यूज़ के ऊपर वाइज यूज़ के ऊपर यहाँ पे बहुत एम्फेसिस दिया गया है ठीक है तो ये कन्वेंशन मेनली इस बारे में बात करता है जितने भी वेटलैंड्स हैं उसकी कन्जर्वेशन और वाइज यूज़ की अच्छी तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकें इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था रामसार में रामसार एक सिटी है ईरान के अंदर वहाँ पे 1971 में इस कन्वेन्शन को अडॉप्ट किया गया और फोर्स में आया ये 1975 से तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट ऑफ यूएन मेंबर स्टेट्स हैव बिकम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एंड कमिटेड टू द कन्वे थ्री पिलर्स ठीक है यूएन के जो 90 परसेंट मेम्बर्स हैं वो इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बन चुके हैं और तीन पिलर है जिसपे कन्वेंशन वर्क करता है पहला पिलर क्या है वर्क टूवर्ड्स द वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड लैंड यूज की बात करता है दूसरा है डेजिग्नेट सूटेबल वेटलैंड फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस एंड इन्श्योर देर इफेक्टिव मैनेजमेंट ठीक है अब हम जितने भी वेटलैंड्स हमारे यहाँ पर हमें लगेगा इस कन्वेंशन के अंदर रखने चाहिए तो उसको हमने एक स्पेसिफ़िक लिस्ट में डाला हुआ है उस लिस्ट को कहते हैं वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ठीक है हर कंट्री या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ जो है अपने यहाँ से कुछ एक वेटलैंड्स को चूज़ करेगी कुछ वेटलैंड्स को उसमें से कुछ वेटलैंड्स को चूज़ किया जाएगा कि उसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की लिस्ट में डालना है कि नहीं ताकि उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सके तीसरा पिलर है कॉपरेट इंटरनेशनली ऑन ट्रांस बाउंड्री वेट शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम एंड शेयर्ड स्पीशीज ठीक है तो हम ट्रांस बाउंड्री वेट जो है ठीक है उसके ऊपर भी फोकस करते हैं साथ ही साथ कोई ऐसा वेटलैंड सिस्टम है जो कि दो कंट्रीज़ के बीच में शेयर हो रहा है या स्पीशीज़ हैं जो माइग्रेट करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो इस सारे मुद्दों के ऊपर हम इंटरनेशनली कॉपरेट करेंगे अगर वेटलैंड्स की बात करें पहले यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्ट में 1971 में रामसार में अडॉप्ट किया गया और फोर्स में आया ये 1975 से इट इज़ दी ओनली ग्लोबल इन्वायरमेंटल ट्रीटी दैट डील्स विद अ पर्टिकुलर इको तो ग्लोबल लेवल पर ये एक uh, मतलब एक लौती ऐसी इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जो कि किसी पर्टिकुलर इको से डील कर रही है ये जो है यूएन सिस्टम ऑफ मल्टी लेटरल इन्वायमेंट अग्रीमेंट्स के साथ एफिलिएटेड नहीं है ये वाली ट्रीटी और इसके अंडर में रामसा लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जि, जिसमें जो साइट्स डाली जाती हैं उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है और उनकी मेंटेनेंस होती है साथ ही साथ इसमें एक और एक लिस्ट बनाई गई थी रजिस्टर बनाई गई थी जिसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड कहते हैं ब्रिस्बेन में इसको बनाया गया था 1996 में ये एक रजिस्टर होता है जिसमें कि ऐसी वेटलैंड साइट्स को डाला जाता है जहाँ पे इकोलॉजिकल कैरेक्टर में काफ़ी चेंज आ गया रहता है या फिर इन न्यू इन नियर फ्यूचर आने वाले होते हैं ऐसे चेंजेस ठीक है नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं मतलब मेनली नेगेटिव इम्पैक्ट किसी वेटलैंड पर आए तो उसको हम इस रिकॉर्ड के अंदर डालते हैं इट इज़ अ प्रिंसिपल टूल ऑफ द कन्वेंशन एंड मेनटेन एज पार्ट ऑफ रामसार लिस्ट इसको रामसार लिस्ट के तहत ही इसको भी एक तरीके से लिस्ट की तरह रखा जाता है इंडिया की बात करें तो केयलाडो और लोकटक लेक को इसमें रखा गया था 1990 और 1993 में चिल्का लेक जो है उसको भी 1993 में रखा गया लेकिन फिर बाद में हटा दिया गया चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी को रामसार वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड भी मिला था 2002 में 2002 में ही इसको इस लिस्ट में से रिमूव कर दिया गया अब अगर यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं कि जब हम कन्वेंशन को ज्वाइन करते हैं कोई भी पार्टी मतलब ज्वाइन करती है तो हर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को एटलीस्ट वन वेटलैंड साइट अपनी टेरिटरी के अंदर जो है वो इस लिस्ट के अंदर डालना पड़ता है ठीक है जब भी ज्वाइनिंग होगी किसी कंट्री की तो एटलीस्ट वो एक आ, कोई वेटलैंड साइट अपने आगे चुनेगी और उसको लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर रखा जाएगा जिसको हम रामसार लिस्ट भी कहते हैं उसके बाद दिस कन्वेंशन प्रोवाइड द सिंगल मोस्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन ऑन वेटलैंड लैंड इशूज ठीक है तो ये सिंगल मोस्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये कन्वेंशन वेटलैंड ईशूज से डील करने के लिए अब वेटलैंड्स की बात हो रही है तो हम वेटलैंड को समझ भी लेते हैं कि इस कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड्स का मतलब क्या है तो एक ब्रॉड डेफिनेशन जो है वो यूज़ की गई है इस कन्वेंशन के अंदर जिसके तहत जो है वेटलैंड्स के अंदर आ जाते हैं सारे लेक्स रिवर्स अंडरग्राउंड एक्विफर्स मतलब अंडरग्राउंड जितने भी हमारे वाटर स्टोरेज है जो जो भी है उसके बाद स्वैम्स और मार्शेज आ जाते हैं वेट ग्रासलैंड्स आ जाते हैं कीट आ जाते हैं ओवासिस आ जाते हैं एशचूरीज आ जाते हैं डेल्टास आ जाते हैं टाइडल फ्लैट्स मैंग्रोव्स और अदर कोस्टल एरियाज़ कोरल रीफ्स एंड ऑल ह्यूमन मेड साइट्स सच एज फिश पॉन्ड राइस पैडीज रिजर्व एंड सॉल्ट पैन तो इसके अंदर नेचुरल साइट्स भी आती हैं साथ ही साथ ह्यूमन मेड साइट्स भी आती हैं जैसे फिश पॉन्ड हो गया राइस पैडीज रिजर्व सॉल्ट पैन तो ये भी हमें याद रखना है कि वेटलैंड का मतलब क्या होता है कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जिनको हम वेटलैंड के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं जैसे बाकी हम लेक्स रिवर्स ये सारी चीज़ें जानते हैं लेकिन वेट ग्रास अगर हमें ऑप्शन में दे दिया गया तो हम कन्फ्यूज़ हो सकते हैं पीट लैंड में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं ठीक है तो इस चीज़ को हमें याद रखना है और ये भी याद रखना है कि ह्यूमन मेड साइट्स जो हैं जैसे फिश पिशॉन राइस पैडीज ये सब भी वेटलैंड के अंदर आती हैं उसके बाद वेटलैंड की इम्पोटेंस क्या है कि हम इसको कंजर्व करने की बात कर रहे हैं वेटलैंड की इंपॉर्टेंस ये है कि ये कई सारे इको सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है ठीक है अब ये इको सिस्टम सर्विसेज क्या होते हैं कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज़ हैं जो कि वेटलैंड प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे पहला है कि फ्रेश वाटर सप्लाई हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में लेक्स रिवर्स अंडरग्राउंड एक्वेफर्स सब कुछ इंक्लूड किया गया है तो ये फ्रेश वाटर सप्लाई का सोर्स होता है साथ ही साथ जो हमारे वेटलैंड होते हैं वो फूड और बिल्डिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं ठीक है फूड हमें पता है फ़ूड प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग मटेरियल मतलब सैंड वगैरह स्टोन्स वगैरह ये सब भी हमें वेटलैंड से मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं ठीक है वेटलैंड है तो वेटलैंड एक वेटलैंड ही काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है फ्लड के कंट्रोल में हेल्प करते हैं वेटलैंड ग्राउंड वाटर की रिचार्ज में हेल्प करते हैं और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में हेल्प करते हैं तो ये सारी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो कि हमारे वेटलैंड प्रोवाइड करते हैं अब जो आज के लेक्चर में हमें हमने पढ़ा है ये आपके यू जी सी नेट इन्वायरमेंट में भी काम आएगा साथ ही साथ अगर आप यू पी एस सी या स्टेट पी सी एस दे रहे हो तो उसमें भी आपको काम आएगा बोथ इन प्रिलिम्स एंड मीन्स प्रिलिम्स में आप इसके फैक्ट्स याद कर सकते हैं और मीन्स के लिए अगर आपको एक आंसर लिखना है एक होलिस्टिक आंसर लिखना है वेटलैंड के ऊपर तो आपको यहाँ डेफिनेशन भी मिल जाती है इकोसिस्टम सर्विसेज भी मिल जाती हैं और ये कन्वेंशन के बारे में भी पूरा डिटेल है जिसको हम एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं थैंक यू